हेलो एवरीवन, मैं दिव्या एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को टाइटल पढ़ के तो आइडिया हो जाता है कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, बट फिर भी बता दूँ कि ये वीडियो जो है वो व्लॉग वीडियो है, एक दिवाली की सफाई से रिलेटेड। तो यहाँ पे श्या मेरा कुछ हेल्प कर रही है, हेल्प के श्रेय बहुत हेल्प करती है, इतनी छोटी है बट बहुत हेल्प करती है। और सबसे बड़ी बात, उसको हेल्प करना पसंद है, वो अपनी मर्जी से करती है। तो यहाँ पे श्रेय अपने सारे ड्रेस मुझे निकाल निकाल के दे रही है और फिर मैं उसे मतलब न्यू फोल्ड करूँगी और उसे अलमीरे में पूरे रखूँगी अच्छे से। जब आप अलमीरा यूज़ करो ना तो थोड़ा सा मैसी मैसी तो हो ही जाता है, तो दिवाली का टाइम है और नीचे का पेपर भी चेंज करना ज़रूरी था तो वो भी चेंज हो जाएगा इसी बहाने, और अलमीरा भी मेरा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो वही कर रही थी और यहाँ पे देखिए शेयर मेरे साथ मस्ती भी कर रही है, मुझे चिढ़ाती रहती है जब देखो तब। और यहाँ पे फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड का, तो मैं उससे बात भी करने लगी थी हेडफोन लगा के, और प्लस मेरा काम भी होने लगा। ऐसे बात करते करते कब काम हो जाता है, और शेयर की मस्ती में तो काम कब ख़त्म होता है पता नहीं चलता। और यहाँ मेरा वीडियो टाइमली नहीं आ रहा है सबसे बड़ी बात, और दूसरी की वीडियो बना ही सूट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का चल रहा है एग्ज़ाम, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो से ब्रेक ली हूँ, सूट नहीं कर रही हूँ। और आज उसका रैम्स का है, मतलब पोएम का है, तो आज मुझे टाइम है तो मुझे थोड़ा सा मेकअप वीडियो शूट करना था। और मैं सोच रही थी दो वीडियो शूट करना था, दोनों मैं आज ही ख़त्म कर लूँ क्योंकि इसके बाद भी बाबू का मेरे मतलब पेपर भी बाकी है, तो उसकी तैयारी में मैं लग जाऊंगी तो फिर सूट करने का टाइम नहीं मिलेगा। यूट्यूब मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा पैशन है, बट मेरे बेटे का फ्यूचर एंड पढ़ाई ये सब बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैं साइड में रख के पहले बच्चे का पेपर का ध्यान दे रही हूँ। उसके बाद जब पेपर बीत जाएगा, वैसे भी पेपर अब दो दिन में बीत जाएगा, मे बी सैटरडे को उसका लास्ट है, और सैटरडे को हम मुझे कहीं जाना भी है, और कहाँ जाना है इसके लिए तो आप गेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मुझे कहाँ जाना है। वैसे अधिकतर लोग को तो पता ही होगा कि कहाँ जाना होगा, देखती हूँ किसका किसका सही निकलता है। एंड यहाँ पे मेरा पूरा अलमीरा सेट हो चुका था, और ये कुछ कपड़े थे वो मेरे वार्डरोब के थे तो उसको भी मैं अपनी जगह लगा दी हूँ। और ये था मेरे स्टूडियो रूम का व्यू, मैंने कुछ ऐसे लाइटिंग सजा दिया। एंड बाबू का जो मेरा टॉय हाउस था उसको मैंने ग्रास पे रख दिया है, और ये जो पिक है ये मेरी शादी के टाइम का पिक है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को पिक। और मैं आपको कार्टून देख रहा था, स्कूल जाया तो शूट नहीं की, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया दुकान के पास, मैं पहले दिन कोशिश करूँगी और उसके बाद कभी अभी जो कार्टून की बुक करूँगी डाल रही थी। जब सो के उठी तो बर्तन पड़े हुए थे, मैं बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और पता है जब मैं ऐसा सूट करती हूँ तो लगता है मेरे साथ कोई है, मतलब आदत सा पड़ गया, तो लगता है ना आप लोग मेरे साथ होते हैं, ऐसे स्माइल सा एक कैमरे में देख कर जाता है। और बाबू की मैम आ गई है पढ़ाने के लिए, तो मैं एक तरफ चाय चढ़ाती हूँ, दूसरी तरफ मैंने मटर भी उगाया था दोपहर में क्योंकि शाम को मुझे मटर का छोला बनाना था। एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड का अलमीरा था जिसको क्लीन करना था, और उसका पेपर था वो भी बेकार सा हो गया था, श्रेया उसको फाड़ वोड़ देती है, तो यहाँ पे मैं उसको साफ करके और फिर न्यू पेपर मैं बिछा लूँगी, और उसके बाद से जो भी कपड़े हैं वो रख दूँगी। मेरे हस्बैंड का जो कपड़ा है वो कुछ सेक्शन में आ जाता है, ऑलमोस्ट उन्हीं का सारा सेक्शन है, बस जो नीचे वाला लास्ट सेक्शन है वो इनका खाली था, तो मैं वहाँ पे अपना जो लहंगा था और साड़ी था तो मैं उसको एडजस्ट कर दी हूँ क्योंकि मेरा वार्डरोब पूरा का पूरा फुल है। वीडियो के वजह से मुझे प्रॉपर रखना पड़ता है सामान, तो इसके वजह से वो पूरा मेरा वार्डरोब फुल हो गया था, तो इसलिए मैं इनके वार्डरोब में अपना कुछ सामान रख लेती हूँ। चलिए एक एक करके लगाती हूँ। और पता है दिवाली की सफाई करके, और सबसे बड़ी बात मैं अकेले हूँ, कोई भी नहीं है साथ, तो इसलिए थोड़ा सा सारा काम ही मुझ पे अकेले का था, तो
बहुत थकान सा हो गया था, बच्चों को भी देखना प्लस बच्चे की पढ़ाई, बाबू का इसी में पेपर भी चलना, तो बहुत बहुत मेहनत हो रहा है और बहुत थकान भी हो जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि मुझे नाइट में मेडिसिन लेना ही पड़ता है पेन किलर, क्योंकि इतना इतना हद से ज़्यादा पेन होता है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, तो लेना पड़ता है मुझे। और मुझे ऑलमोस्ट मेरे पैर में ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे अभी डॉक्टर से एक बार मिलना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा क्यों हो रहा है, कैल्शियम की वजह से हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। एंड इधर ये मेरे हस्बैंड का नाइट सूट वाला सेक्शन है, तो मैं इसको भी सही कर लूँगी। इधर मेरे हस्बैंड का हेलमेट और अंडरगारमेंट्स और जो क्या कहते हैं नाइट सूट है वो पड़े होते, तो ये जो उनका शर्ट और टी शर्ट का कलेक्शन था मैं उसे हटा दूँगी, क्योंकि उधर का भी मुझे पेपर सही करना था। सारा दिवाली का टाइम है तो सब कुछ नया नया एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन पूरा, कहीं भी गंदगी ना हो, तो उस टाइप की सफाई रहती है दिवाली में। तो यहाँ पे मैं भी वैसा ही सफाई कर रही हूँ, पूरा क्लीन एंड डीपली पूरा क्लीन करूँगी। और यहाँ पे कुछ ज़रूरी का सामान था जो मेरे हस्बैंड ऐसे ही पेपर के नीचे रख देते हैं, तो मैं जहाँ रहना चाहिए वहाँ पे उसको सेफली रख दे रही हूँ, क्योंकि बाद में ना वो मुझ पे ही चिल्लाना चालू कर देंगे जब मिलेगा नहीं कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, मैं तो कहीं भी रख देता हूँ मगर सफाई और हर चीज़ तो तुम देखती हो ना, तो तुम उसको उसकी जगह पे रख देती, तो इसलिए मैं वहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि उनको ईजिली मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पे मेरा पूरा अलमीरा साफ़ हो चुका है, और देखिए मैं कुछ इस तरह से अपने हस्बैंड का अलमीरा क्लीन कर दिया। ये जब मेरे हस्बैंड एलएनटी में थे तब का आईडी कार्ड था, और यहाँ उनके सेक्शन में नीचे वाला भी पार्ट खाली था, तो उसमें मैं अपना कुछ स्लीपर रखी हूँ। और ये जो कपड़ा पड़ा हुआ है फ्लोर पे, ये मुझे कपड़ा बांटना था श्रेया को और सूर्या को, होता नहीं है मेरे बेटे को। और ये जो है ये मेरी सासू माँ का जो सर्गी निकालते हैं वो था, तो मैं इसको, मेरी मम्मी तो थी नहीं, करवा चौथ के एक दिन पहले ही चली गई थी, तो वही मैं उनके लिए सब खरीदी थी, तो मैं रख देती हूँ। अरे मम्मी को इस टाइप का बैंगल बहुत पसंद है, तो मम्मी को इस टाइप का बैंगल मैं ली थी और मम्मी ही पसंद की थी, और मैं सब रख दूँगी। ये जो चूड़ी है रेड रेड, ये मेरा यूज़ किया हुआ था, मैं ऐसे थाली में जब निकाली थी तो रख दी थी, और सारा मैं रख दूँगी। और मैं जाने वाली हूँ घर, तो मैं इसको मतलब दे दूँगी मम्मी को, क्योंकि सासू माँ का है ये सारा कुछ, तो मैं उनको दे दूँगी। और मैं सब कुछ सर्गी में रखी थी, और ये मैं कुछ पैसा भी रखते हैं ना तो मैं रखी थी, मेरे पास कैश नहीं पड़ा था, पेटीएम से काम चल जाता है तो कैश ज़्यादा रहता नहीं है। और जब से ये गूगल पे और भी ट्रांजेक्शन वाले ऐप आए, तो तब से एकदम कैश रखना तो ऑलमोस्ट अधिकतर ही लोग बंद कर दिए। और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम सिटी से बाहर थे, रात में आए, तो कोई नहीं। एंड ये तो हो गया मेरी सासू माँ का, और ये थाली मैं उसके अपने जगह पे रख दूँगी जहाँ, और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह सारा क्लीन की थी, उसको फोल्ड करके उसको उसकी जगह लगा दूँगी। और ये था मम्मी का ही साड़ी का ब्लाउज जो वो मुझे स्टिच कराने के लिए देना था, उसको भी साइड रख दूँगी मैं। एंड उसके बाद से जो काम है वो सारा करूँगी, क्लीनिंग बहुत बाकी था और जल्दी खाली ख़त्म करना था मुझे, क्योंकि निकलना भी था, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। और इसी में बाबू की पढ़ाई और टाइमली वीडियो को शूट करना, क्योंकि फेस्टिवल्स भी सारे इसी में पड़े हुए हैं, तो कोई नहीं सारा इसी में मैनेज करेंगे। और ये नॉट जो बना हुआ है, ये मैं बेडशीट जब बिछाती हूँ तब मैं नॉट बांध के बिछाती हूँ, इसे क्या है ना जल्दी आपका बेडशीट ख़राब नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है जल्दी, तो ऐसे ही है कुछ। और यहाँ पे जितने कपड़े सबको फोल्ड कर लूँगी। और बाबू का एग्ज़ाम पढ़ने की वजह से बहुत कपड़े गंदे पड़े हुए थे, मैं ऐसे रखते जाती थी। और मुझे लास्ट में सैटरडे को और संडे को दो दिन मैंने वॉश किया था अपना सारे क्लॉथ, और इतने सारे निकले थे, फिर सबको फोल्ड करना और सबको उनकी जगह पर लगाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जब एक साथ बहुत सारा कपड़ा हो। तो चलिए ये तो हो गई सारी कपड़े की बात, और इसके बाद में ज़रा, और हाँ मैं नहा भी चुकी हूँ, जितने डस्टिंग वाले चीज़ थे मैं उनको पहले ही कर ली थी, उसके बाद से नहा के ये जो कपड़ा फोल्ड वगैरह करना था, बेडशीट सही करना था, ये मैं नहाने के बाद कर रही हूँ।
और सब करने के बाद एक बार और मैं अच्छे से थोड़ा सा क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे श्रेया कुछ ना कुछ चॉकलेट खाती है या कुछ भी, तो उसका रैपर वगैरह फेंकते रहती, तो मुझे दिन में मतलब एक आध दो बार तो हो ही जाता है मेरा झाड़ू क्लीनिंग का काम, तो वही कर रही थी। और यहाँ पे किचन में भी एक बार फिर से लगा दूँगी, क्योंकि हल्का हल्का मैं भी जब बनाते रहती हूँ तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, डस्टबिन में डालो कुछ कुछ तो भूल के नीचे फेंक देती हूँ, तो वो सब था क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे बाबू मेरा कार्टून देख रहा था, और यहाँ मेरा घर पूरा कंप्लीट एकदम से क्लीन हो चुका है, बस माता जी का मंदिर बाकी है, और वो मैं सोची थी एकदम अच्छे से क्लीन हो। एक्चुअली क्या है ना, उसमें झालर वालर भी लगाना था, तो मैं सोची थी उसको आराम से करूँगी। एंड अब बस एक ही चीज़ बाकी है, घर को वॉश करना, थोड़ा सा धुलना था बस वही। और रूम में मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है, बस जहाँ धुलने वाला बाग काम है वहाँ पे धुलना बाकी है। और ये था मेरा बेडरूम, इसको भी मैंने क्लीन एकदम कर दिया है। और ये ट्राइपॉड के साथ मैं घूम रही थी, एंड ये मेरा डेली वियर वाला था, ये मेरी साड़ी, एंड इधर बीच में वेस्टर्न वियर, एंड नीचे साड़ी एंड लहंगा मेरा था। और यहाँ पे मैं एक क्लिप था जो ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने उसे लास्ट में ऐड कर दिया। ये था मेरा सूर्य जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं उसे एक गीले कपड़े की हेल्प से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद से न्यू पेपर बिछाऊँगी। और इसमें मेरे जो स्लीपर्स एंड सैंडल होते हैं वो नहीं होते हैं इसमें, मैं अपना अलग रखती हूँ, उसमें बस मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरी मम्मी का, मेरी ननद का और मेरे हस्बैंड का। एक्चुअली मैं अभी निकाल के इसको अलग कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा था सबका, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको अलग रख दिया। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको भी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे कुछ शूज़ थे मेरे बच्चे के, जो अब मेरे बाबू को नहीं होता, तो उसको मैं अलग छांट के रख दूँगी, दे दूँगी, कोई बच्चा पहन जाएगा जिसके पहनने लायक का होगा। और चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत लेंथी। एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक दिया करें, क्योंकि सपोर्ट किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आया करूँ, एंड ब्लॉग वीडियो लेके आया करूँ, मेकअप ट्यूटोरियल लेके आया करूँ। तो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू सून, बाय।